दिस इज लॉन्गेस्ट टनल एट 10,000 फीट भाई सोच लो 9 या 10 किलोमीटर के आसपास का है एंड दिस इज द साउथ पोर्टल निकलेंगे नॉर्थ पोर्टल के साइड जो कि डायरेक्ट रोहतांग और लाहौल वैली डायरेक्टली हम लोग मनाली साइड से लाहौल के तरफ इंटर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में स्पीड लिमिट है 40 का फिर उसके बाद सेंटर में 60 का हो जाता है कुछ देर के बाद और फिर एग्जिट के पास भी 40 का हो जाता है। तो भाई देखो जस्ट इन अ फ्यू सेकंड पूरा जज्बात बदलने वाला है। फ्यू सेकंड क्या होता है साला, कुछ लम्हों में आपका मिजाज बदल जाएगा। मिजाज ठाणा है, इधर ठाणा है, अबे ग्रीन दिख रहा है बे। सो दिस इज द नॉर्थ पोर्टल ऑफ अटल टनल। ओहो इधर भी तो धूप ही है। अरे थोड़ा सा प्रैंक हो गया हमारे साथ। नहीं लेकिन हवा ठंडी है। हां अभी ग्लेशियर टाइप है, मस्त अच्छी लग रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन ठंडा है। सो भाई जज्बात बदलने वाला था लेकिन बदला नहीं, क्यों पड़वा कर चंद लम्हों में जज्बात नहीं पलटा। नहीं सेम तो नहीं है, हवा चल रहा हाँ लेकिन अभी बहुत कड़क धूप है उसकी वजह से हम घूम पा रहे। तो लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना भाई, ऐसे निकल गए थे जैकेट पहन कर, पिछला ब्लॉग देखते हैं ऐसे कहाँ पे जैकेट पहनने के बावजूद। सो देखो दिस इज द नॉर्थ पोर्टल। अपना लुक बताओ, तुम पिछली बार कैसे थे? पिछली बार हाँ गमछा था का वही लपेट के। इतनी ठंडी थी ना भाई, अज्ञान वही से करता हूँ। बारिश हो रहा था तब की, आते ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, ड्रिजलिंग था मतलब बूंदा बांदी था, लेकिन ठीक मजा आया था। और इस बार तो इस साइड में ले सीसू जाओ, अगर किसी को ले नहीं जाना है अटल टनल घूमने आ रहे हो तो सीसू जाओ यहाँ से। अपने को क्या, लेकिन अपने को तो यहाँ जा रहे हैं, स्पीति इधर जाएंगे, इधर से आते रोहतांग से हम इससे भी आगे जाएंगे, यहाँ जाएंगे खूब आगे आपको यहाँ तक ले जा पाएंगे हम। और आगे का दृश्य आगे देखिए, आगे आगे बने रहिए। A few moments later, रोहतांग पास पे भी पास चेक हुई तो वहाँ से भी आगे जाने नहीं देगा। सुनना इधर इधर शिशु में बढ़िया स्टे देखते हैं, चलो हाँ आराम नहीं मतलब घुमा फिरा जाएगा। कैंपो ले लिया था, कैंप में ज्यादा मजा है, वही कैंपो ले लिया भी लेते हैं। नहीं हुआ, ना हो पाया। हाँ अब क्या करेंगे, चलो ना अभी ढूंढते हैं बहुत। चलो अब हंट करते हैं अपना, दैट्स व्हाट लेजेंड्स डू ऑब्वियसली। हेलो सोचा थे अब, और पता नहीं कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये स्पीति वाला मामला फंस रहा है थोड़ा सा, तो वो कल से होगा। अबे यार क्रेटर तो जाएगा नहीं इधर से ही, और बैग में जाती हुई बाजत हुई है। भाई अगर पहले से ही अपना गेस्ट हाउस या कहीं पे भी होम स्टे या डॉर्मेट्रीज में बुकिंग ना हो तो हमारे जैसे भटकना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्लान था स्पीति का और हम टाइम से ओवर हो चुके थे, मीन्स 4 बजे तक ही स्पीति के साइड जाने देते हैं, सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक, और हम जस्ट 4 क्रॉस कर गए थे, थोड़ा ही टाइम हुआ था बट जाने को नहीं मिला। अभी मैं तो कार में बैठा हूँ, विक्रांत भाई अपने साथ और अपना पिगू भाई है अभी मैम। देखो खुजली कर रहा है, बाल बढ़ा लिया। ये देखो मेरी प्यारी भैंस है। अब यहाँ सोएगा ना अभिमन्यु। अब भाई सब लोग अपना अपना जगह ले लिया, खौफ का माहौल है वहाँ सोने के। क्या क्लासिक रूम है ना, इस बार बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है हम लोगों के साथ, ऐसे ही तो करना था। और ये देखो लोकल्स की यहाँ रहे वो, इधर देखो उधर भी दिखाऊंगा सब, अभी दिखाऊंगा। चलो फिर जल्दी जल्दी करते निकलते हैं फिर। अभी मनु यहाँ सोएगा, बड़ा सा बेड है, बड़ा सा बेड ही है।
पीगू भाई भी डर से उधर चला गया, देखो खुजा रहा है, जिधर बैठे ला उधर खुजाते रह ला, कभी ऐसे ऐसे करी मजा ले बजा है पीगू भाई आगे देखा देख कुछ खुजा रे हाँ खुजाते रहता है बैठ के। चलो जल्दी फ्रेश हो चेंज, हाँ कपड़ा पहन लेना ठंडा के हिसाब से, ठंडा ज्यादा लगी। सो भाई देखो यहाँ पे होम स्टे हमने अपना बुक कर लिया है, इधर ही स्टे ले रहे हैं और अंकल का ही प्रॉपर्टी है ये सब, रेस्टोरेंट वगैरह कैफे वगैरह। एंड अभी हम थोड़ा जा रहे घूमने क्योंकि टाइम तो अपने पास बहुत है, क्योंकि हम जा रहे थे स्पीटी, अब जा तो पाए नहीं। सो दिस इज रियल स्ट्रगल फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी और रील रील। ये बंदा क्या बोल रहा है कि बोनट पे बैठ के और मैं गाड़ी चलाऊ, मूविंग मूव होते हुए इनको रील बनाना है, और आगे एक और गाड़ी कैसे चलेगा, रील बनेगा कैसे महाराष्ट्र से ना ऐसे मत बोलो, बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे लौंडे। एक तो बीजेपी वाले पकड़ने ही वाले हैं तेरे को, छपरी ज्यादा है। हाँ ये तो है, ऐसा नहीं बोला जा रहा कि सारे हैं, पब्लिक सब महाराष्ट्र वाला तो है। भाई देख लो यही वो रीजन है क्योंकि स्पीति जाने में ना बहुत सारा ऐसा वाटर क्रॉसिंग ना रोड पे आता है, ऐसा रोड पे से क्रॉस करता है। तो ये देखो शाम तक क्या होता है कि पूरे दिन ना धूप पड़ने से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ऐसा भयावह दृश्य हो जाता है और पानी ज़्यादा हो जाता है। तो यही पुलिस वाले भी बोल रहे थे और लोकल अंकल भी हमको सजेस्ट किए थे कि भाई अभी तो कार डूब जाएगी। नहीं प्रभाकर जहाँ पे स्टे लिया था हमने, वो अंकल बोल रहे थे हाँ कि अगर जाना है तो पहले ही निकल जाओ, 6-7 बजे तक निकलो हाँ तो बेस्ट है, क्योंकि उस टाइम पे सारे ग्लेशियर्स अभी हार्ड हो जाएंगे। 12-1 बजे तक बोल रहे थे पानी अच्छा से बहने लगता है, हाँ हाँ तो डूब जाएगी गाड़ी कहना था, अभी तो 7 ही बज रहे हैं। हाँ तो अब 4 बजे तक ही अलाउड है ना, 6 से 7, 6 से 4। ये देख कैसा है, हाँ लाइट तो पहाड़ों में रहेगी, उसका पंगा नहीं है, लेकिन पंगा है कि ऐसा वाटर क्रॉसिंग स्पीति जाने में बहुत है, रोड भी खराब, ऐसा पथरीला रोड। सो सीट बेल्ट लगा लीजिए, पूरा सूरज पीछे चला गया पहाड़ के और दिख गया। क्या करे तो वजह हवा हवा खाते जम के, अरे वैसे बांधो ना रे, पायरेट्स लग रहे थे हम, कितना सही दिख रहे थे साले। घड़ी पहले कमांडो वाला 600 का घड़ी खरीदा है, 10,000 का भी, 10,000 के, 10,000 का मनाली से इधर है ना, जी 100 का, तभी तो बोल रहे पैसा खर्च हो गया, देख डुप्लीकेट ना ना, 10,000 खरीदा है, सब पैसा मतलब इधर ही जा रहा है। नहीं अरे चौलवा धो के रख, टाइम लगेगा, और ज्ञानू पे भी बना रहे अंडा और ये रहा चौलनी, आपको कुकर सिटी लगाई और खा ले ज्ञानू पे भी भड़क रही है कि भी कोई काम ही नहीं कर रहा इधर ये भी ये जो जिसका स्टेप था बोलो, मोटर डालना था ना तुमको, मोटर डालो पहले, क्या डालना अभी सुबह डील करके आए हैं, सुबह सुबह का अभी थोड़े देर पहले ज्ञान, तुम बोलते जाओ सब लोग डालते जाएगा, चलो हाँ, 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 गजब ही मजा आएगा, गेम है तुमको तो एक्सपीरियंस है ही बोला अब करना क्या भाई, उधर करो भाई, जाओ उधर देखो प्याज डालना, डालो ए डालो डालो, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, प्याज नहीं डालना है, रुक जा क्या डालना है कुछ वहाँ पे रोड खराब है सर, वहाँ पे ना ये गेट खोलते ही ये देखिए यहाँ से नीचे ही चले जाएंगे लोग। स्पीति का स्ट्रगल रोड पे ही, पत्थर आ गया लैंडस्लाइड मतलब होके,